मेहदावल विधानसभा 312 संत कबीर नगर जिला से समाजवादी पार्टी के नामांकन पे हम लोगों ने नामांकन भरा। श्री निसार सिद्दीकी साहब उर्फ रमजान पहलवान साहब ने हम लोग उनके टिकट के लिए प्रदेश कार्यालय पे श्री अखिलेश यादव जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। क्या प्रत्याशी का दावेदारी किया आपने? जी, हम लोगों ने दावेदारी किया है और हम लोगों को आशा है कि पार्टी हम पे ध्यान देगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ध्यान देंगे और हमारी मेहनत को देख के हम पूरी जवाबदारी के साथ में चुनाव में रहे हैं। अभी तक क्षेत्र में गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम लोग गए हैं और आशा करते हैं कि पार्टी निराश नहीं करेगी। आज एक योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया है जी, कैराना से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब आदमी पगला जाता है तो कुछ भी उल्टा पलटा बोलने लगता है। मुख्यमंत्री जी ये समझ रहे हैं, उनको ये बात का अंदेशा हो गया है कि मैं जा रहा हूँ, प्रदेश से सफाया हो रहा है, ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं। इसलिए उनके ट्वीट पे, उनके फेसबुक पे इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं। जनता समझ रही है, उत्तर प्रदेश समझ रहा है कि अखिलेश यादव जी आ रहे, पूरी बहुमत से समाजवादी पार्टी आ रही है। इसलिए इनके ट्वीट पे अभी कुछ असर रहा नहीं इनकी बातों का। किन किन मुद्दों पर लेकर चुनाव? हाँ, बढ़िया सवाल किया आपने, मुद्दों की बात कही आपने। आप भी किसान हैं, आप भी इसी धरती के हैं, आपको भी नज़र आ रहा है किसान परेशान है, किसान बेहाल है, छात्र व्यापारी हर लोग तो त्रस्त है, महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, हर लोग तो त्रस्त है भाई। योगी और मोदी का तो कहना है कि विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा गंगा में बह गई, जिस गंगा माता का सौगंध लिया था उन्होंने, उसी गंगा माता में विकास भी बह गया, गंगा मैया साफ नहीं हुई जी। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आह्वान करूंगा पूरे माध्यम से, क्या क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश में आह्वान करता हूं, साफ सुथरी सरकार बनाइए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। अखिलेश यादव जी युवा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे युवा हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं, छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, घर संसार वाले हैं। इसलिए घर संसार वाले छात्र लोगों से ज़्यादातर अपील है, युवाओं से, कि आप लोग समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए और पूरी बहुमत से बेहतरीन सरकार बनाइए और प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाइए। मेरा नाम विनोद यादव है, मैं समाजवादी पार्टी का क्रांतिकारी सिपाही कह लीजिए या जमीनी कार्यकर्ता कह लीजिए, मैं बनारस से हूँ, वाराणसी से। सरकार चल रही है उसके बारे में आप क्या कहें? जो सरकार चल रही मौजूदा, देखिए हर अपने जितने वादे किए इन लोगों ने उस पर फेलियर है, हर तरह से फेलियर है। अगर इनका काम के ऊपर अगर बात किया जाए तो ये कहीं कोई काम नहीं किए, सिर्फ नेम प्लेट उखाड़ कर अपना नेम प्लेट चपकाना इनका यही काम है। आप देख लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आप देख लीजिए ये वाला आपका जो नया वाला बना है, ये गाजीपुर से जो चल रही है, ये किसका काम था? अखिलेश यादव का। आज भी बनारस में मेट्रो नहीं बन पाया, 10 चक्कर मट्टी चेक हुई है, सिर्फ मटिया चेक हुई, 5 साल बीत गया, मेट्रो लगा, मेट्रो बन गया, नहीं बना। DPR बना, क्या हुआ? तो काम क्या हुआ? काम वही हुआ जो पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने लगभग ज़मीनें आवंटन करा दी और उस पर ज़मीनों को ड्रेसिंग का काम भी कर दिए थे कई जगह, बाद में उसी को ये पूर्ण करा दिए हैं, बस इतने किए हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं कहूँगा ये देखिए, विकास के मुद्दे पर वोट होना चाहिए भैया। समाज जो है कैसे चलता है? समाज हमारे आपके काम से, हमारी आपके मेहनत से, असामाजिक समरसता से चलता है, न कि द्वेष की भावना से, ना ही झगड़ा से। ये से देश तो चलेगा नहीं। कहना है कि विकास की गंगा बह रही है। कौन सा गंगा बह रहा है? कहाँ बह रही है? सार से लड़के जो अस्पताल में जा रहे हैं आदमी, सार जो है कि आपका गेहूं चावल पूरा चर जा रहे हैं, रात को बेचारे किसान जो है, जब हम लोग आप अच्छे कमरों में सो रहे हैं ना, तो किसान बेचारा डंडा लेके घर वहाँ खेत अगुर रहा है, खेत पूरा जो है वो रात में बैठ कर वो जाग रहा है भैया, तो कहाँ से अच्छा है? तो चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूँगा, प्रदेश जनता से, कि भैया चुनाव जो होना वो विकास पर होना चाहिए और रोज़गार पर होना चाहिए, और हमारे जितने बेरोजगार युवा हैं उनके लिए नौकरी की भी हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। पलायन रुका नहीं, रुका, आज भी 11 ट्रेन बम्बई को जाती हैं और डेली जाके देख लिया, अभी कोविड काल भी है तो अभी लोग भर भर के जाते हैं काम के लिए, बेचारे काम नहीं है, कोई उद्योगों नहीं है, क्या इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, MEDC एरिया है बम्बे दिल्ली की तरफ पे, कोई भी आप बताइए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे? नहीं है, या नया आया? नहीं आया। उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने अखिलेश जी ने जो सरकारी वैकेंसी थी जिसे ये आप प्राइवेट कर रहे हैं, उस समय इन्होंने बहुत सारी वैकेंसियों का काम किया, भरने का काम किया और पूरी पारदर्शिता के साथ, और जो आप देखेंगे नई नई जो कंपनी इन्होंने लगाई,
जैसे कि मैं बता दूं, अमूल का प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में लगा, ये उनका काम था। ये फूलपुर में जो हुआ है ये इनका ही बनाया था, उद्घाटन ये किए हुए हैं। हाँ, उसका कुछ % काम उन्होंने किया है। आप समाजवादी पार्टी कितने सीटें लेके आ रही है? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश की जनता एकदम त्रस्त है, किसान त्रस्त है, शिक्षक जो ये शिक्षा मित्र लड़के ये सब त्रस्त है, बेरोजगार से मतलब परेशान हमारे युवा त्रस्त हैं, पत्रकार जो कि देखिए एक नमक वो रोटी खिलाने का काम दिखाया पत्रकार, उसे तो बुला के इनाम देना चाहिए ना, उसे उठा के डंडा से मारेंगे। वो तो भाई देश की भलाई के लिए काम किया ना, कोई नमक रोटी खिला रहे अच्छा काम करके दिखाया, लेकिन हम आप क्या किए, सरकार के जो लोग बैठे वो क्या किए, उसको डंडा मार के मुकदमा ला दें, ये कोई काम तो अच्छा नहीं। पत्रकारों को भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, उसका समर्थन करना चाहिए था। पत्रकार भी बेचारे परेशान हैं, ये भी सच्चाई।